हाय गाइस, मैं उदय ठाकुर और आपका भाई आपके लिए आज फिर से एक वीडियो लेके आया है। ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं लगे तो मत करना, कोई बात नहीं यार। बस इतना कहना चाहता हूँ अपनी जर्नी के बारे में कि स्टार्टिंग मैंने 2015 में यूट्यूब कर दिया था और उसके बाद भी मैं वीडियो थोड़ी थोड़ी डालते रहा और कंटिन्यू नहीं था मैं, फिर भी डालते रहा। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम के अंदर में, क्योंकि उस टाइम में स्टार्टिंग में ही वीडियो पे ऐड चलते थे। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, चाहे उनको मोनेटाइज करने के लिए। अगर कंटेंट अच्छा है तो आपकी वीडियो वायरल जरूर जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे लोगों को मुश्किल लगते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपके भाई ने तब से शुरू किया, कई सारे चैनल बनाए, डिलीट किए वीडियोज, बनाए डिलीट किए, लेकिन जो चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस पर फोकस करना। वीडियो आप पर डे एक वीडियो डालो, ठीक है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कोशिश करना कि बेटर वीडियो बनाने की, ऐसा कंटेंट होना चाहिए लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप वीडियो बनाओ तो फोकस करो कि यार लोगों को किस टाइप का कंटेंट पसंद आता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में क्या गलती करी, वीडियोस डालता था डिलीट मारता था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो ये चीज़ आप मत करना। मैंने कई टॉपिक पे वीडियोस बनाए और फिर उसको वीडियोस को डिलीट मारता था, फिर स्टार्टिंग से वीडियोस बनाता था, नया चैनल बनाता था, ग्रो नहीं होता था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि यार ये मैं करके रहा हूँ, मुझे अब जाके पता चला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी 2017-18 में जो लोग आए थे या 19-20 में आए, हर कोई ग्रो कर रहा है, तो मैं ग्रो क्यों नहीं हूँ? ये मेन रीज़न है कि मैंने एक जगह फोकस नहीं किया, मैंने वीडियोस कंटिन्यू नहीं डाली, चैनल बदलता गया, वीडियोस बदलता गया, डिलीट मारता गया, जिसकी वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पाया, ठीक है। और फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप उसको टाइम दो, वीडियोस के बारे में सोचो। जॉब कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री टाइम में आप कुछ और नहीं करके जो फालतू का टाइम वेस्ट करते हो उसको ना करके कंटेंट के बारे में सोचो, वीडियोस बनाओ, ठीक है। ये सबसे बेस्ट थिंग है। अब 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम कैसे पूरे होंगे? नॉर्मली वीडियोस कंटेंट अच्छे होने चाहिए, वीडियोस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब्स के टर्म एंड कंडीशन में यही है, वो कोई आपकी वीडियो वायरल नहीं करते हैं, वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है, वीडियो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस टाइप की वीडियो बनाते हो, ठीक है। तो इस पर फोकस करें और कंटिन्यूसली वीडियो डालें। ये मत सोचो कि यार मैं डालूंगा कल मेरी वीडियो वायरल हो जाए, चाहे हफ्ते महीने जो भी, साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन छोड़ना मत। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जॉब आप 10 साल भी करोगे ना, 20 साल भी, सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते, लेकिन इस पर आपने 3 साल मेहनत करी ना तो लाखों कमाओगे। आप सोच नहीं सकते कितना कमा सकते हो, ठीक है। तो पैसे के बारे में पहले मत सोचना, क्योंकि अगर पैसे के बारे में सोचोगे तो भाई सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। कंटेंट के बारे में सोचो, वीडियोज़ के बारे में सोचो, ठीक है। और मैंने कई सारी यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखी है, मनोज देव हो गया, उसने भी मेरे बाद ही चैनल स्टार्ट किया था 2018 में। उस बंदे ने बहुत हार्ड वर्क किया, ठीक है, अपने चैनल के लिए, और उसने जो वीडियोस डाली उसकी मैंने वीडियोस देखी, आप देखना एक बार उसकी वीडियोस जाके, कि उसने बोला मेरे चैनल पहले मैंने बनाया था डीमोनेटाइज हो गया था, और सेकंड चैनल जो उसने बनाया था 1000 वॉच सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे करने के बाद भी उसको कम से कम 8 महीने पेंडिंग में था उसका चैनल एड अप्रूवल के लिए। अब ये सोचो, 8 महीने तक बंदे ने वीडियो डाली, 200 प्लस वीडियो डाली, तब जाके वो उसके चैनल पे ऐड चला, और चला तो ऐसे चला कि आज देख लो वो कहाँ पर है। 3 साल के अंदर में उस बंदे ने वो मुकाम हासिल किया, आई थिंक, जो हम जॉब करके नहीं कर सकते। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो फिर भी आप डरते रहोगे कि यार इतना पैसा लगाया, कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, लॉस में जाएगा क्या जाएगा। तो यार आप यहाँ पे स्ट्रगल करके ना अपने वो चीज़ तो दी, वीडियोज़ को टाइम दे रहे हो, आप यहाँ से अर्निंग कर रहे हो, उसके साथ भी वो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं ना, उन्होंने क्या किया, पहले YouTube पे टाइम दिया, वहाँ से अच्छे खासे अर्निंग कर रहे हैं, घर बनाया, पैसा, गाड़ी, सब कुछ, जो मन वो लिया, टाइम भी फ्री, जब मर्जी वीडियो डालो ना डालो, ठीक है। जॉब में ऐसा नहीं कर सकते, जब आप छुट्टी, कुछ भी प्रॉब्लम, तबीयत खराब है, कहीं जाना है, कुछ भी है, तो आपके उसके पैसे कटेंगे, और ऊपर से आपको सुनने को ही मिलेगा भाई तू इतनी छुट्टी क्यों करता है, समझ रहे। लेकिन अगर आप YouTube पे वीडियोज़ डालोगे या कंटिन्यूसली, अगर मान लो कि आपका चैनल चल गया, महीने के 10-12 हज़ार रुपये भी अगर 1 साल के बाद आ रहे हैं, तो आप जॉब छोड़ के फुल टाइम दो ना, वो 20-25-30 हज़ार में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ में आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप अपना बिजनेस तक स्टार्ट कर सकते हो। यार बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, भाई की बातों को एक बार गौर करना, सोचना, ठीक है, करो। लोग कहते हैं यार बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ गए, वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी तो बना रहे हैं ना, मैं भी बना रहा हूँ, वो भी बना रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। लोगों का मन, लोगों को दिख रहा है कि भाई वहाँ पैसा है,
करियर है इसलिए लोग आ रहे हैं ना यूट्यूब पे, पहले तो कोई नहीं आता था, ठीक है। तो लोगों की मत सुनो, जब भी टाइम मिले जैसा जैसी वीडियो, फेस नहीं दिखाना कोई बात नहीं, कंटेंट सोचो कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, एजुकेशनल वीडियो बनाऊँ, किस टाइप की वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करना। और ये चीज़ यार प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी वीडियोज़ पर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यार एक कोई भी आपको लगे कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो मेरे को उस टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई इस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ, उसका सलूशन दो। यूट्यूब से रिलेटेड चाहे जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको उस पर रिसर्च करके, जो मेरे पास नॉलेज होगी और प्लस में रिसर्च करके मैं उसके ऊपर आपको बताऊँगा कि आपको कैसे क्या करना है। अगर गलत लगे कुछ भी तो प्लीज़ यार मर्जी आपकी, डिसलाइक कर देना चाहे जो करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ एक बार और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। और इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिलो तो वही फिर सब्सक्राइब कर देना।